एक और बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से आ रही है, तो गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का गोरखपुर में जिला पंचायत में खाता खुल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के अमरनाथ से 8,266 वोटों से जीत दर्ज की है। गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट है। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए। नीरज, गोरखपुर जिला पंचायत में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही, क्या अपडेट? जी बात आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 जो पिपराई क्षेत्र है, वहां से जिला पंचायत सदस्य की सीट पर अमरनाथ ने जीत दर्ज की है और लगभग 8,265 मतों से इन्होंने के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है और लगभग इनको 11,615 वोट मिले, जबकि जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी है उन्हें 3,350 मत पर ही संतोष करना पड़ा। और एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य की सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला, ऐसा पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि अभी बता दें कि अभी प्रमाण पत्र किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिल पाया, लेकिन लगभग जितना मतों का अंतर है जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा अंतर है किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो गोरखपुर क्षेत्र है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वहां से आते हैं, वहां पर बीजेपी का पिछड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन निर्दल प्रत्याशियों की भी संख्या लगभग बीजेपी प्रत्याशियों की संख्या के आसपास ही है और कांटे की टक्कर है और निर्दल प्रत्याशी भी लगातार बढ़त पर हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करें और निषाद पार्टी भी एक एक सीट पर है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी लगभग 13 सीटों पर लीड ली हुई है और अगर इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर भाजपा बढ़त पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी मुख्यमंत्री के शहर में ये एक तरह से उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर उनका खाता खुल गया और इसकी काफी जो प्रत्याशी है जो और इसके साथ ही उनके समर्थकों में काफी खुशी भी है। जी अगर प्रत्याशी की बात करें, अमरनाथ उर्फ आचार वाले बाबा किस तरह जो है उनकी जो छवि है, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन वहां पर दर्ज हुआ है। हालांकि अभी आपने बताया कि अभी तमाम औपचारिकताएं और जीत का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना बाकी है, लेकिन जीत लगभग सुनिश्चित है क्योंकि जो मार्जिन है वो काफी बड़ा है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई और नहीं प्रमाण पत्र मिला, लेकिन अगर कहा जाए तो अन्ना आंदोलन से ही ये आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और चूंकि ये साइकिल पर ही घर घर अचार बेचते रहे इसलिए इनका नाम भी अचार वाले बाबा पड़ गया अमरनाथ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ही जब इनको प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी ने उतारा तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये इतने भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन यही वजह है कि सभी जो उनके समर्थक हैं और जो पार्टी के लोग हैं उनके भी काफी खुशी है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।